पिछले दिनों शुरू हुआ सुपरस्टार पवन सिंह और अक्षरा सिंह के बीच का विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा। अब खबर है कि अक्षरा सिंह ने पवन सिंह के खिलाफ मुंबई के मालवनी पुलिस थाने में FIR दर्ज कराया है। अक्षरा ने FIR के जरिए पवन सिंह के ऊपर आरोप लगाया है कि उन पर पवन सिंह के इशारों पर हमला किया जा रहा है। साथ ही फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से उन पर भद्दे कमेंट, आपत्तिजनक फोटो और वीडियो पोस्ट करने का आरोप लगाया है। अक्षरा सिंह की ओर से पवन सिंह पर IPC की धारा 509 के तहत केस दर्ज कराया है। हालांकि यह अवेलेबल एक्ट है, लेकिन पवन सिंह की मुश्किलें IT एक्ट 66A, 66E और 67 बढ़ा सकती है, जिसमें उनकी गिरफ्तारी संभव है क्योंकि यह नॉन अवेलेबल है। आपको बता दें कि IT एक्ट में इन्हें 3 साल या इससे अधिक तक की सज़ा हो सकती है और साथ ही उन्हें पेनाल्टी भी लग सकती है। अक्षरा के FIR के बाद एक बार फिर से इंडस्ट्री में चर्चाओं का बाजार गर्म हो गया है। कयास लगाए जा रहे हैं कि पवन सिंह जल्द गिरफ्तार हो सकते हैं। FIR में अक्षरा ने पवन की पहली पत्नी ज्योति सिंह प्रकरण का भी जिक्र किया है। दरअसल अक्षरा सिंह और पवन सिंह के बीच का विवाद अचानक तब शुरू हुआ जब दरभंगा में एक शो के दौरान अक्षरा ने बिना नाम लिए कहा था कि इंडस्ट्री में कुछ लोग हैं जो उनका कैरियर खत्म करना चाहते हैं। इसके बाद अपने एक इंटरव्यू में अक्षरा ने खुलकर पवन सिंह के नाम लेकर उन पर कई सनसनीखेज आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि मेरे गानों को मिलने वाले व्यूज से घबरा कर पवन सिंह ने इंडस्ट्री के म्यूजिक चैनल डायरेक्टर, प्रोड्यूसर और कलाकारों को मेरे साथ काम नहीं करने का दबाव बनाया। जब पानी सर से ऊपर हो गया तब मैंने ये बातें की। वैसे तो मैं कब का मूव ऑन कर चुकी थी, लेकिन मेरी सक्सेस से इनकी ईगो हट हो गई और ये मेरे खिलाफ साजिश पर उतर आए। बता दें कि भोजपुरी स्टार पवन सिंह पर फिल्म अभिनेत्री अक्षरा सिंह ने अपने अफेयर को लेकर भी खुलासा किया है। गौरतलब है कि यह जोड़ी जब भी पर्दे पर आती थी छा जाती थी। अक्षरा और पवन रियल लाइफ के अलावा रियल लाइफ में भी कपल रह चुके हैं। बता दें कि हाल ही में भोजपुरी अभिनेत्री अक्षरा सिंह ने पवन सिंह से अपने ब्रेकअप की कहानी सुनाई थी और उन्होंने बताया था कि ब्रेकअप के बाद पवन सिंह से उनका रिश्ता कितना खराब हो गया है। वहीं एक समय ऐसा था जब ये जोड़ी स्क्रीन पर आग लगा देती थी। जिस भोजपुरी फिल्म या गाने में ये जोड़ी साथ में नजर आ जाए वो गाना हिट मान लिया जाता था। पटना से डेस्क की रिपोर्ट।